हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। किचन ब्लॉगर यू के 16 में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला बैंगन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए लिए हमने छोटे बैंगन और अब हम इसको काट लेंगे। लगभग ये 250 ग्राम के आसपास बैंगन हैं, 250-300 ग्राम के आसपास। इन बैंगन के हम डंठल को हम काट लेंगे और फिर हम इसमें दो कट लगाएंगे इस तरीके से। हमें सारे बैंगन में कट लगा देना है और हमें चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। हम ये इसको कट लगा के इसमें चेक कर लेंगे, अंदर इस तरीके से देख लेंगे। अगर बैंगन सही है तो हम इसको कट लगा के रख देंगे और जो इसके ऊपर का पार्ट है उसको हम निकालेंगे नहीं, उसको हम ऐसे ही रखेंगे ताकि ये बैंगन अलग ना हो, और ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। इसके लिए लिया है हमने 1 चम्मच अदरक, 2 बड़े प्याज, इन बड़े प्याजों को हमने काट लिया है, 2 तेज़पत्ता, 3 इलायची और 1 बड़ी इलायची, इनको हमने पीस लिया है, और 1 चम्मच इसके लिए लिया है लहसुन, लहसुन को भी हमने पीस के रेडी कर लिया है, और ये हमने 2 बड़े टमाटर काट के तैयार कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल, 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे, और जो हमने बैंगन तैयार किए हैं उन बैंगन को इसमें हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा नहीं, मतलब 50% इसको हम फ्राई करेंगे, 50% इसमें इसको तेल में फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद इसको हम ग्रेवी में पकाएंगे। जब हम इसमें ढक्कन रख देंगे और इसको हम पकने देंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद हम ये चेक करेंगे। मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे। ये अभी इसमें कुछ थोड़े बहुत ही ये फ्राई हुए हैं, इसको हम पलट लेंगे दूसरी तरफ और हम दूसरी तरफ से इसको पकाएंगे। ऐसे हमें इसको चलाते रहना है और अब फिर ढक्कन लगा के इसको रख देंगे 2 मिनट तक। ऐसे ही हमें बीच बीच में इसको चेक करना है और चलाते रहना है। ये देखिए, ये बैंगन दूसरी तरफ से भी थोड़ा रेडी हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब हम इनको पलट लेंगे, जिस तरफ से ये पके नहीं हैं उस तरफ हम इसको घुमाते रहेंगे, ऐसे चलाते रहेंगे। हमें इसको अच्छे तरीके से पकाना है। अब हम फिर इसमें ढक्कन रख के इसको हम पकने देंगे मीडियम आंच पे। ये देखिए, बैंगन पक के रेडी हो चुके हैं लगभग 50% तक। अब हम इसे निकाल लेंगे और ये हमारा जो तेल बचा है इसी में हम थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे और अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसमें हमने 2 चम्मच और तेल डाला है। इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ते, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे इलायची जो हमने इलायची पीस ली थी, और इसमें लहसुन ऐड करेंगे पिसा हुआ, और जो हमने अदरक लिया था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे और इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे लगभग गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए, हमें इसको ऐसे चलाते रहना है। ये हो चुके हैं, ये रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को भी हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से चारों तरफ से पका लेंगे। ऐसे ही हम इसको चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे।
ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। हमारे प्याज भी अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, जो हमने दो बड़े टमाटर काट लिए थे उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। नमक और मिर्च आप किसी भी रेसिपी में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, क्योंकि किसी को कम नमक पसंद होता है, किसी को ज़्यादा मिर्ची पसंद होती है, किसी को कम मिर्ची पसंद होती है। और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, इसमें डालेंगे धनिया आधा चम्मच, इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे। ये सब डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। अगर मसाले नीचे से चिपक रहे हों तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर मसालों को भून लेना है, इससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं और ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे। देखिए मसाले अच्छे तरीके से भून चुके हैं, इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसमें हम जो हमारे बैंगन हमने फ्राई कर लिए थे उसके बाद इसको इसमें डाल देंगे। फ्राई किए हुए बैंगन डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि ये ग्रेवी में अच्छी तरीके से सेट हो जाए, ग्रेवी इनके अंदर भर जाए और फिर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको हमने ढक्कन लगा के रख दिया है लगभग 3 मिनट तक, फिर हम इसको चेक करेंगे। मीडियम आंच पे हमें इसको रखना है और इसको हम चेक करते रहेंगे, इसको हम हिला लेंगे चारों तरफ से, हमारी ग्रेवी जलनी नहीं चाहिए, इसको हमें मीडियम आंच पे पकाना है और चेक करते रहना है बार बार। और इसको अब बैंगन को इसमें पलट लेंगे, दूसरी तरफ भी पलट लेंगे, इसके अंदर ग्रेवी के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर हम इसमें ढक्कन लगा के रख देंगे, और इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। 2 मिनट होने के बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे, देखिए बैंगन लगभग पकने वाले हैं। इसको हम ऐसे अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी को। अच्छे तरीके से मिलाने के बाद इसको एक बार फिर से हम ढक के रखेंगे, क्योंकि इसे हमें बार बार चेक करना होता है और चलाना होता है, और इसको बड़ी ही ध्यान से हमें पकाना है ताकि हमारी ग्रेवी जले ना, हमारे बैंगन जले ना। और इसको अच्छे तरीके से पकाते रहना है मीडियम आंच पे। अब हम इसमें ढक्कन हटाने के बाद इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो इसमें डालें, नहीं पसंद है तो आप मत डालें। इसमें डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, अब इसमें कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। ये सब डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे और अब करेंगे गैस का फ्लेम ऑफ और हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।